थोड़ा मैम ये साइड कैमरा लुक गेट लुक गया जी कैमरा एक छोटा सा वॉक मिल पूछा उछा ऊपर थे ऊपर करना चलो थैंक यू आजा सेम सेम आजा 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 आ जाइए हाँ हाँ सबसे पहले आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो थैंक यू सो मच मैं जानना चाहूंगा आपकी वेब सीरीज आ रही है पेपर किस तरह का रिस्पांस आ रहा है फैमिली के तरफ से फ्रेंड के तरफ से सोशल मीडिया में बताना चाहोगे मेरी पेपर वेब सीरीज़ आ चुकी है अभी आ नहीं रही है वो ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसको रिलीज़ हुए और सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहली बार मैंने वेब सीरीज़ में यू you नो know, अपना काम किया एंड देन रोहित रॉय वाज अ वेरी गुड एक्टर विथ मी सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस होल जी साथी आपका सीरियल भी आया था साथ निभाना साथिया जी उनके बारे में बताना चाहोगे कुछ साथ निभाना साथिया मैंने किया उस पर मैंने 3 months का कैमियो किया था सिर्फ वो मेरा पहला था शो देन मैंने मेरी दुर्गा किया ऑन स्टार प्लस देन मैंने परम अवतार श्री कृष्णा किया ऐसे करते करते मैंने 3-4 टेलीविजन शोज कर लिए एंड देन नाउ आई एम मोर इनटू ओटीटी एंड आई वांट टू डू some good web series project and music videos and films ji main jaanna chahunga paper mein aapka kirdaar kis tarah ka tha batana chahoge ji paper mein mera kirdaar ek bahut hi sensitive kirdaar tha wo matlab prostitution ka character tha jo maine play kiya tha aur वो इजी नहीं था मेरे लिए प्ले करना बिकॉज काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज़ काइंड ऑफ यू नो बॉडी लैंग्वेज जो उनका होता है वो बहुत ही अलग होता है तो वो सबसे पहले तो मुझे वो ऑडिशन करना था जब मुझे वो शो मिला तो उसको पहले मुझे ऑडिशन करना था एंड देन तो वो अपने अंदर लेके आना कैरेक्टर वो फील करना तो वो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे उसको लेकर और उसको समझा के कैसे किया जा सकता है तो मैंने उसको ऑडिशन किया एंड देन मैं सिलेक्ट हो गई एंड देन मैंने परफॉर्म किया वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जैसे कि जब ऑफर आता है कोई भी वेब सीरीज या मूवी इनका तो लोग बहुत सोच समझ के उसको साइन करते हैं तो आप क्या देख के साइन करते हो कोई भी वेब सीरीज या मूवी किस क्या देख के आप साइन करते हो I just see okay if I am listening to some script or watching anything वो मुझे goosebumps देता है या नहीं या मुझे हंसाता है या नहीं या मुझे रुलाता है या नहीं अगर वो चीज़ मुझे हंसा सकती है मुझे रुला सकती है as an audience के perception से not me मैं अपने आप को audience समझ लेती हूँ उस वक्त मैं अपने आप को actor नहीं समझती हूँ और मैं उस तरीके से देखती हूँ और वो चीज़ अगर उसमें पास हो जाती है तो मैं फिर वो प्रोजेक्ट कर लेती हूँ पेपर के दौरान कुछ जब वो शूटिंग होता था जी कुछ यादगार पल है जो आप शेयर करना चाहोगे यादगार पल तो कुछ है नहीं लेकिन यू नो उसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स थे तो वो बोल्ड सीन करते समय मुझे बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी बिकॉज इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम तो रोहित रॉय सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और डायरेक्टर ने भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाया काफ़ी सारे सीन्स तो हमने काट दिए क्योंकि आई वाज नॉट कंफर्टेबल दैट मच तो या बस यही एक है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ना यू नो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर भी आपको सपोर्ट करते हैं रोहित सर के बारे में बताना चाहोगे कुछ किस तरह का उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस रहा
रोहित सर के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करते हैं और उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया एज़ एन एक्टर, बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, एंड देन काइंड ऑफ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम हिम, इट वाज वेरी गुड। या आप किस तरह का मूवी पसंद करना चाहते हो, करना पसंद करते हो, आपका ड्रीम रोल क्या है? ड्रीम रोल तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है बड़ा, मुझे रोम कॉम करना है, एंड देन मुझे रोम कॉम करना है, बस मुझे रोम कॉम सबसे पहले करना है, और भी बहुत सारे हैं लिस्ट में, थ्रिलर भी करना है, बट रोम कॉम इज माय फर्स्ट चॉइस। जी, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी तो फ़िलहाल मेरे 3 म्यूज़िक वीडियोज़ आर अपकमिंग जो रिलीज़ होने वाले हैं, और दूसरा मैं अभी बता नहीं सकती बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिसको मैं रिवील नहीं कर सकती, बट आई डेफिनेटली यू गोना सी मी इन गुड प्रोजेक्ट्स, एंड जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर देखते हो वैसे ही आप मुझे प्रोजेक्ट्स में भी देखोगे। जी, अभी नया साल आने वाला है, क्या कुछ तैयारी की हो आप? नया साल हर साल आता है, और हर साल की तरह इस साल भी न्यू होप्स लाता है, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा ये साल काम करूँ, और न्यू ईयर मनाने का प्लान तो अभी तक कुछ किया नहीं है, बट आई थिंक आई विल गो टू गोवा। टीवी सीरीज के बाद हम आपको वापस किसी टीवी सीरीज में वापस देखने चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, क्यों नहीं, इफ आई विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी देन आई विल गो फॉर इट। तो आपकी आई थी मेरी दुर्गा, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरी दुर्गा वाज अ वेरी गुड शो ऑन स्टार प्लस, और मैंने वो किरदार निभाया आरती का जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया एज अ नेगेटिव लीड, जो आउट ऑफ इंडिया भी शो चलता था वो, और काफ़ी जगह से मेरी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ से बढ़ी, एंड अभी तक वो लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी तक मुझे मैसेज करते हैं आउट ऑफ इंडिया से वो शो को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरीवन लव्ड माय कैरेक्टर आरती इन मेरी दुर्गा, बहुत अच्छा शो था, ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी, फिर मैं वैम्पायर थी उसमें, वैम्पायर नहीं नेगेटिव लीड थी सॉरी, तो मैं वही तुड़वाने का सोचती रहती थी कि कैसे वो लड़का मुझे मिल जाए, मेरी तरफ आ जाए, एंड देन यू नो वो पॉजिटिव लीड हट जाए रास्ते से, तो इस तरीके की मेरी प्लानिंग्स होती थी उसको रास्ते से हटाने की। जी, जाते जाते जो आपको इतना प्यार देते आए हैं वो आपके सीरियल्स को, आपके वेब सीरीज को, उनके बारे में आपको क्या, आपका क्या कहना है? जो भी मुझे प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ माय टेलीविजन शोज, बिकॉज ऑफ माय इंस्टाग्राम अवतार, और बिकॉज ऑफ माय वेब, जो भी मुझे प्यार देते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँ, थैंक यू सो मच गाइज, इट मीन्स अ लॉट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू नो स्टार्ट करने से पहले कि यू नो यू विल गेट दिस इमेंस लव, बट आज इतना सारा प्यार मिलता है, बहुत बहुत थैंकफुल फील करती हूँ, और आप लोगों की वजह से ही मैं इतना यू नो मैं हूँ, मतलब जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड आई विल ऑलवेज एंटरटेन यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।